ये गाइस आप देख सकते हो द हैरट्स, यूरोप का और यूके का सबसे बड़ा मुझे लगता है जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वही है द हैरट्स। इसके अंदर दुनिया के जितने भी ब्रांड्स हैं, जो टॉप ब्रांड्स हैं, वो मिल जाएंगे आपको। और ये ओन करता है द कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, जो कतार गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट है सरकारी, वो ओन करता है ये कतार का है बेसिकली। और ये जगह है लंदन में नाइट ब्रिज करके, साउथ वेस्ट लंदन में पड़ता है, उसी जगह पे ये है। और बहुत ही खूबसूरत सजा रखा है इन्होंने, बहुत ही बढ़िया सजा रखा है। अरे मैं क्रॉस नहीं कर पा रहा हूँ, इतने लोगों का भीड़ है भाई साहब। और ये साई रिश्का देखो आप, कितना बढ़िया सा रिश्का लगा रखा है इन्होंने। लोग बाग फोटो वगैरह खींच रहे इसके सामने आके, बारिश ने इतना टाइम खराब कर रखा है, क्या बताओ मैं, बारिश की वजह से ना या फिर कुछ बता ही नहीं सकता। अभी हमें उस तरफ जाना है, उस तरफ जाके फिर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या है। ये इसके एंट्रेंस है, इसके एंट्रेंस में जाने के लिए भी आपको बहुत सारे ये देखो आप, जितने भी दुनिया के सारे जो महंगे महंगे ब्रांड्स हैं, क्रिश्चियन दियोर और ये यहाँ पे रखे हुए हैं। काफ़ी लोग बाग है अंदर भाई, मेरे को तो क्या है कि यहाँ पे ऐसे रुमाल भी खरीदने का हिम्मत नहीं है, इतना महंगा है ये। जो लोगों को पता है उन लोगों को पता है क्रिश्चियन दियोर क्या है, बैलेंसियागा क्या है और गुच्ची क्या है, इतनी महंगे कि भाई साहब सोच भी नहीं सकते हम। काफ़ी लोग इसके अंदर आए हुए हैं, ज़्यादातर ये यहाँ पे जो अमीर लोग हैं बाहर के, उन लोग आए हुए हैं मैक्सिमम। और ये इसकी अपोजिट साइड की बिल्डिंग है, ये भी काफ़ी खूबसूरत बना रखा है इन्होंने। और ये एंट्री गेट है, हम सोच रहे अंदर जाने का, देखते हैं अभी चले क्या अंदर।